पब्लिक टीवी आपकी आवाज। होली का पर्व मुरादाबाद में 21 मार्च को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर शहर में रौनक देखी जा सकती है। वहीं प्रशासन स्तर से भी शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार को मनाया जाए, इसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। रेलवे प्रशासन ने भी यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी काम किया है। इसी संबंध में शनिवार की रात मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर GRPF और RPF के संयुक्त प्रयासों से रेलवे स्टेशन परिसर में चेकिंग अभियान चलाया गया। सभी यात्री के सामान की चेकिंग की गई और सभी से अपील की गई कि वह कोई भी संगीन व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। और चेकिंग अभियान का नेतृत्व कर रहे राजकीय पुलिस के स्टेशन प्रभारी पंकज पंत का कहना है कि होली के पर्व को ध्यान में रखते हुए आज मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है और ये चेकिंग अभियान लगातार होली के पर्व के बाद भी जारी रहेगा। देखिए, होली का त्यौहार नज़दीक है। होली का त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए अब चूँकि लोकसभा के इलेक्शन भी है तो इसी के मद्देनज़र ये चेकिंग की जा रही है और ये चेकिंग लगातार चलेगी आगामी होली के त्यौहार और लोकसभा इलेक्शन के दौरान। और इसमें हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना होने पाए, इस वजह से हम लोग जो है RPF के साथ और डॉग स्क्वाड के साथ इसको जो है विधिवत तरीके से सतर्कता के साथ जो है चेकिंग कर रहे हैं ताकि कोई घटना ना घटे हो पाए और जो है यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस हो। यही है, यात्रियों को थोड़ा अपने ओर से हम तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं और लेकिन यात्रियों को भी हम उनसे अपील कर रहे हैं कि अपना सामान जैसे कीमती सामान है और उसमें सतर्कता से बढ़ते हैं और जो है उसी हिसाब से सहयोग करें, अपना भी सतर्कता करते हैं। बाकी हम तो इसमें लगे हुए हैं और हम लोग अपील ये भी कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे उसमें दरवाजे में खड़े होकर सफ़र करते हैं, उसके संग कोई आपराधिक कृत्य या वैसे भी कोई घटना या दुर्घटना हो सकती है, कोई छीना झपटी या वैसी है, तो हम ये भी उनसे अपील कर रहे हैं कि स्टेशन निकलने के बाद अपना दरवाजा वाजा बंद करें और विशेष रूप से हम लोग महिला कोच और विकलांग कोच पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि अधिकतर शिकायत मिलती है कि विकलांग कोच में दूसरे अनाधिकृत रूप से आदमी बीत जाते हैं और लोगों को उससे दिक्कत होती है, तो इसी वजह से उसके लिए हम गंभीरता से चलेंगे।